आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रीसेट करना है अपने यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन तो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बात मैं बता दूं कि यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन अगर आप फर्स्ट टाइम जनरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूको बैंक के एटीएम मशीन पर जाना पड़ेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आप नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन आप चेंज या फिर रीसेट कैसे कर सकते हैं। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि यूको बैंक की मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। अगर वो सब वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए आपको यूको बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यूको बैंक का मोबाइल ऐप कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे इसमें आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। जैसे यूको बैंक का एम बैंकिंग मोबाइल ऐप आप ओपन करेंगे इस तरीके से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना एम पिन डालना होता है। जैसे आप एम पिन डालेंगे तो यहाँ पर आप यूको बैंक की मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज है, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से है कि आप अपना ओटीपी और सीवीवी पिन वगैरह पासवर्ड किसी से शेयर ना करें। ओके गॉट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड रहता है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए यहाँ पर नीचे साइड आपको ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज कार्ड्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने रहेगा। यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड को चेक करना है कि आपका डेबिट कार्ड कौन सा है, मैच करना है। तो यहाँ पर आप व्यू फिजिकल कार्ड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके कार्ड की इमेज आ जाएगी। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मेरा कार्ड है, यहाँ पर मैच कर सकते हैं, दोनों कार्ड सेम है। और उसके बाद यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड का नंबर रहता है, एक्सपायरी डेट रहती है। इसको आप ऐसे बैक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीवीवी कोड वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर इसका पिन चेंज करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए यहाँ पर नीचे साइड आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रीन पिन जनरेशन, जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपका डेबिट कार्ड का नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपको जनरेट ग्रीन पिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सपायरी डेट, और एक्सपायरी डेट में आपको मंथ और ईयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप मंथ डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर ईयर में आप यहाँ पर ईयर डालेंगे। लास्ट का 22 यहाँ पर नंबर डालता है। और यहाँ पर आपको नया एटीएम पिन डालना होता है, जो भी यहाँ पर आप एटीएम पिन बनाना चाहते हैं यहाँ पर एटीएम पिन डालेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको वही पिन को कन्फर्म करना है और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और टी पिन डालना है। जैसा मैंने पहले बताया था कि जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे या फिर आप पिन वगैरह चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो यहाँ पर आपको टी पिन का जरूरत होता है। टी पिन यहाँ पर मैंने बनाया था तो यहाँ पर टी पिन डालेंगे। उसके बाद आपको एक नीचे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, न्यू पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली, आपका यहाँ पर नया पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। यहाँ पर आप ओके कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको ग्रीन पिन जनरेट करना है तो यहाँ से ग्रीन पिन भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको अभी और कोई भी कार्ड यहाँ पर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। अपने कार्ड को डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ से फिजिकल कार्ड के लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना कार्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल वगैरह फिल करके यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड का टाइप चूज कर लेना है। यहाँ पर आपको कार्ड का मिल जाएगा, ओके कर लेंगे। यहाँ पर कार्ड का टाइप कौन सा कार्ड लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप ओके कर लेंगे। ₹150 चार्ज रहेगा। किसी भी कार्ड के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, उस कार्ड का जो भी चार्ज रहेगा आपके अकाउंट पर उतना बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका ये कार्ड यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप यूको बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं या फिर आप चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं नीले 0। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।